इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप में से जो लोग पंचवटी गए हैं उन्होंने देखा होगा, बड़ा स्वरम में बात है, बड़ा जल तो कम है, नामात्र है, परंतु रमणीय स्थल है जहां भगवान ने वास लिया। वहां के आचार्य जी बहुत सुंदर समझाते हैं, समझाते समझाते कुछ दोष भी बताते हैं, तो उनको मैंने समझाया था, आप यहां अच्छा अच्छा बताओ, दोष न बताओ, त्रेता में क्या था, कलयुग में कैसे होगा, ये सब ना रामकथा सुनाओ, आपका काम है परिचय कराना, और जो आए उसमें विश्वास देना कि यही भगवान वास किए थे, यही कुटिया है, ये जो वट वृक्ष है यही प्रभु भजन करते थे, यही कथा सुनाते थे, सब ऋषि मंडली उधर बैठती थी, भगवान इधर बैठते। मैंने पूछा ये निंदा करने का कोई पैसा देता है क्या, बोले नहीं। हमने कहा फिर क्यों निंदा करते हो आप। कुछ लोग बुराई निकालना अपनी योग्यता मानते, नहीं रहता है तब भी तलाश लेते हैं कि इसमें क्या बुराई, ढूंढ निकालते हैं, आओ इसका पता लगाएं। अरे थोड़ी प्रशंसा करो, प्रसन्न रहो, है क्यों हर जगह छिद्रान्वेषण करना अन्यथा। तो महर्षि जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप की प्रशंसा किया और कहा, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान ही, श्रुति से तो पालक राम तुम ते हरति रूप छंद ऐसा है। श्री अयोध्या कांड 126 का जो छंद है, इसमें पूज्यपाद गोस्वामी जी अपना नाम नहीं रखते। क्यों? इसके पीछे एक बड़ी मधुर कथा है। भगवान राम जी के बारे में जिसने जैसा देखा मेरे सरकार को, जिस प्रकार देखा, जिस भाव से देखा, रामायण कितनी है, 100 करोड़ से ऊपर, रामायण सतकोटि अपारा,
सौ करोड़ नहीं है, 100 करोड़ के ऊपर अपार है। जामवंत जी का रामायण है, अंगद जी का रामायण है, द्विविध ने भी लिखा है, विभीषण जी का रामायण है, शबरी अंबा का शबरी रामायण है, भोलेनाथ का अध्यात्म रामायण है, आचार्य कम्बन का कम्ब रामायण है, महर्षि बाबा का वाल्मीकि रामायण है, पूज्यपाद गोस्वामी जी का श्री रामचरित मानस है। गोस्वामी जी ने कहा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जिसने जैसा देखा, नलनील का रामायण है। रामायण माने एक महापुरुष अर्थ करते हैं रामायण, श्री सीता मैया राम जी के साथ जहां निवास करती हैं उसका नाम है रामायण। रामायण 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 अर्थ लगाते रहिए। तो उस काल में जब सरकार उपस्थित थे, सबने देख देख अलग अलग अर्थ लिखा, अलग अलग भाव से देखा वैसा लिखा। तो महर्षि जी चक्रवर्ती महाराज के समकालीन थे। ऐसा सुना गया है कि रामचरित्र परमात्मा के अवतरण के पहले ही महर्षि जी ने त्रिकालदर्शी तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथा तो लिख डाले थे। अब श्री हनुमान जी ने जो रामायण लिखा उसका नाम है श्री हनुमान नाटक। ये भी एक आनंद है, आनंद रखो। तो अब महर्षि जी दूसरी स्थिति में, एक ही भाव के स्वभाव के विहार के दो लोग हों तो ये बहुत कम होता है कि एक दूसरे को एक दूसरे से उलझन नहीं हो। इसको थोड़ा और गहरा कह रहा हूं, आपस में चर्चा न करिए, केवल बूझिए। बूझिए माने समझिए, अंडरस्टूड, समझना है। जो व्यक्ति जितना योग्य होता है उतना वो निर्भय रहता है, और हर अयोग्य व्यक्ति अपने से योग्यतम को देखकर भयग्रस्त रहता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, कोई इसको बदल नहीं सकता, ये मानव प्रवृत्ति है। ग्रंथ वही मान्य माना जाता है जिस पर कोई उस लेवल का, स्तर का, भाव का, स्वरूप का, स्वभाव का, चेतना का महापुरुष अपनी भूमिका लिखे। तो श्री हनुमान जी ने जब ये रामायण हनुमान नाटक लिखा, सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना किया, प्रभु हमने सरकार का अपने चरित्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हमारे चरित्र को तो महर्षि जी ने लिखा, एक बार उनसे आप अनुमोदित कराइए। तो हनुमान नाटक महर्षि जी के पास लेकर गए हनुमान जी। अब हनुमान नाटक के श्लोक बड़े अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। मानस पीयूष ने, परम पूज्य श्री रंजनी शरण जी महाराज ने कहीं कहीं श्लोकों को निर्दिष्ट किया है, उपस्थित किया है, कल्याणाराम निदानम। तो महर्षि जी देखे तो ध्यान में संवाद भया, तो बड़ी अंतरंग भावना है। महर्षि जी ने कहा कि हे हनुमान जी, आप भी भक्त, हम भी भक्त,
एक ही समय में ये दोनों ग्रंथ उपस्थित होंगे तो लोक मान्यता किसकी होगी? इसका कुछ उपाय सोचा जाए। तो श्री हनुमान जी तो उदार चर्चा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, भगवान के लाडले, आम तो होते ही नहीं क्योंकि स्मरण में ही कुछ नहीं रहता है। तो ये बात निर्णय हुई और माँ ने मार्गदर्शन किया यहां पर। तो श्री हनुमान जी के द्वारा जो रामायण है, हनुमान नाटक, इसको समुद्र के गर्भ में पधराया गया और महर्षि जी के रामायण को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को उपस्थित माना गया। लेकिन यहाँ पूज्यपाद महर्षि वाल्मीकि जी श्री हनुमान जी के निवेदन पर वचनबद्ध हुए कि त्रेता में आप इस ग्रंथ को लेकर उपस्थित हैं तो कलिकाल में भी आप इस ग्रंथ, हमारे ग्रंथ जितने रामायण हैं सबको समेट कर लिखने के लिए, भाषाबद्ध करने के लिए अवतार लेंगे, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। भक्तमाल के भाष्यकार श्री स्वामी जी महाराज ने ये पंक्ति लिखी, त्रेता में रहे वाल्मीकि मुनि ते कल युग भय तुलसीदास पुनि। महर्षि जी कल काल में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतार लिए, यही है छंद कहता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।